हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक विद सोनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दैट ग्लैम कल्ट के बारे में, क्योंकि जो कि अभी उन लोगों का डिवोर्स हो गया है, वो सेपरेट हो गए, उनके लिए वीडियो है। मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी, जब वो ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो डालती थी, मैं उन्हें तब से फॉलो कर रही थी। और बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने उनकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। उनका नाम हिमांशी है, उनके चैनल का नाम दैट ग्लैम गर्ल है। फिर उनकी जो शादी हुई थी हर्षी भाई से हुई थी, और वो भी अच्छे खासे थे। और उनकी फैमिली, उनके शोरूम्स वगैरह, मतलब अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था। अगर हिमांशी दीदी का फैमिली ग्राउंड बहुत अच्छा था, फैमिली बैकग्राउंड तो उन दोनों का बहुत अच्छा था। उनका अरेंज मैरिज हुआ था। और सबसे अच्छी बात ये थी, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने, अगर उनका सेपरेशन हुआ था तो उन्होंने अपना वो चीज़ ऑफलाइन सॉर्ट आउट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं लाई, बट उनके फैंस थे जो उन्हें देखना पसंद कर रहे थे। वो बोल रहे थे ब्लॉगिंग क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आफ्टर मैरिज उन्होंने अपना जो चैनल था ब्यूटी कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, वो उन्होंने ब्लॉगिंग में कन्वर्ट कर दिया था। तो लोग उन्हें की जो रियल लाइफ थी उनको देखने के लिए पसंद कर रहे थे उन्हें। तो जब एक मई मंथ से उनकी वीडियो नहीं आई, तो लोगों ने अपने अपने कयास लगाना स्टार्ट कर दिए कि आखिर इन लोगों की वीडियो आ क्यों नहीं रही है। फिर आफ्टर 1 मंथ उन लोगों का वीडियो आता है, जिसमें ऋषि जी का अलग चैनल था और जो हिमांशी दीदी का चैनल था वो तो था ही उनका चैनल। तो ऋषि भाई ने यहाँ पे क्लियर किया था कि हम दोनों लोग सेपरेट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, और कुछ चीज़ें हमारी मेंटेलिटी थी वो मैच नहीं हो रही थी, और इसलिए वो अलग हो गए। और उन्होंने ये चीज़ें ऑफलाइन शॉर्ट आउट की। बट बोलते ना, जब ऑडियंस आप पसंद करती है तो वो आपसे क्वेश्चन भी करने का हक रखती है, जिसका आंसर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिया, बखूबी दिया। पर मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, हम लोग ब्लॉगिंग देखते हैं लोगों की डेली लाइफ को देखने के लिए। हालांकि मैं ब्लॉगिंग बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि जो पहले ब्लॉगिंग करते थे लोग वो रियल करते थे, अब ना चीज़ें फेक दिखाना स्टार्ट हो गए हैं। बस लोग अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, केवल यूट्यूब के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें यहाँ जाना, हमें ये चीज़ें कैप्चर करनी है, हमें वहाँ जाना, हमें वो चीज़ें कैप्चर करनी है। हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, बट वीडियो के लिए। तो जो वीडियो में हम व्लॉगिंग देखते हैं, उसमें लोग इतना प्यार, केयर, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। क्या ये सिर्फ केवल एक वीडियो के लिए था? जब जो उनका लास्ट वीडियो था, एक दो वीडियो, उसमें एक दूसरे के लिए गिफ्ट देना, सरप्राइजेस देना, उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करना ओनली फॉर वीडियोस, क्या उनके बीच में ये रिश्ता नहीं था? अगर ये रिश्ता था तो जस्ट 1 मंथ में डिवोर्स की बात कैसे आ गई? क्या फैंस को खुश करना इतना ज़रूरी हो गया है कि उन्हें अपनी लाइफ से दिखाना इतना ज़रूरी हो गया है कि अगर हमारे जो रियल इमोशन है वो कहीं दब गए हैं और फेक इमोशंस हमें वाइटी पर लेके आने पड़ रहे हैं? अगर रियल, मतलब ऑफलाइन हमारी नहीं बन रही है और ऑनलाइन हमें दिखाना पड़ रहा है कि हमारी बन रही है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, यार मुझे सच बता रही हूँ, ब्लॉगिंग से बेटर अच्छा लगता है कि आप वाइटी पर भरोसा ही नहीं रहा कि कौन इंसान सच बोल रहा है, कौन इंसान झूठ बोल रहा है। जिसको हम इतनी शिद्दत से देखना पसंद करते हैं, वही आपको एकदम शॉक्ड देकर चला जाता है। बट ये बहुत गनीमत रही उन लोगों की, उन्होंने पारस ठकराल और स्नेहा की तरह उन्होंने ये ड्रामा नहीं किया। वो लोग तो इतने वाहियात थे दोनों लोग, पूछिएगा मत, कि अपने हनीमून का वीडियो प्रैंक जो भी कुछ था वो भी उन्होंने डालकर वायरल हो गए। और फिर यहाँ पर दोनों लोग आए और लड़ने झगड़ने लग गए, और घर वालों की इज्जत को तार तार किया ही, अपनी इज्जत को तार तार तो किया ही, घर वालों की इज्जत का भी सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। तो एक चीज़ ये तो है कि वाइटी से जिंदगियां बहुत समर भी जाती हैं, और इसी वाइटी से समृति कम है पर बिगड़ती बहुत ज़्यादा है जिंदगी। क्योंकि इंसान शो ऑफ करने के चक्कर में ऐसी चीज़ें कर देता है जो उसके बस की बात नहीं है। अब कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ की अति हो जाती है ना, अति, तो वो चीज़ आपको ना गलत ही करेगी आपके साथ। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, देखिए मान लीजिए व्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमें ये कैप्चर करना है, वो कैप्चर करना है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जब बैंगलोर गई थी अपनी सिस्टर के पास, जो एयरफोर्स प्रोग्राम हुआ था, बहुत बड़ा एयरफोर्स प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पर मैं भी गई थी। तो मैंने सोचा व्लॉगिंग के लिए मैं इसको कैप्चर उसको कैप्चर, हम रियल चीज़ें देख ही नहीं पाते हैं अपनी आंखों से, बस क्या देखते हैं कैमरे में क्या हो रहा है, कैमरे में क्या हो रहा है। हम बस रिकॉर्डिंग करने में हमारा पूरा टाइम निकल जाता है भाई। हम
मेरे हस्बैंड में वो मेरे से एक दिन ये बात बोल रहे थे, तुम इतना रिकॉर्ड करती हो, करते करते तुम हम लोगों को भूल जाती हो कहाँ चले गए। तो भाई मेरे को लगता है रियल में ब्लॉगिंग करना बहुत डिफिकल्ट काम है, कि हम ब्लॉगिंग करने के चक्कर में अपने लोगों को भूलते जा रहे हैं। हम रिएक्शन भी देते हैं ना, इवन रिएक्शन भी देते हैं ना, तो रिएक्शन देते टाइम भी हमें अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, यार ऐसे ऐसे अगर हम इतना बोलेंगे तो इस इंसान को इतना गलत लग सकता है। हाँ ठीक है, हम इतनी चीज़ें बोल सकते हैं जिससे इससे पर्सनल हर्ट ना हो, इतनी चीज़ें ठीक है, क्योंकि ये मैं अपना जिम्मेदारी लेती हूँ। मुझे ऐसी चीज़ लगती है अगर मेरे द्वारा किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कड़वी बातें बोली जाती है तो उसका दिल दुखेगा, जाहिर सी बात है। अगर उसको बुरा लगे या ना लगे, बट मैं अपने भगवान को जब जाऊंगी उनके पास क्या जवाब दूंगी, मैं इसकी जिम्मेदारी रखती हूँ। तो मैं इतना ही बोलती हूँ, मैं कभी किसी के लिए, मैं एक चीज़ और, मैं एक चीज़ ये सोचती हूँ यार, कि हम लोग ना, जैसे मान लीजिए आज मेरा किसी से अच्छे फेस पे बात कर रही हूँ, कल मेरा उससे नहीं बना, तो मैं फिर भी उसके लिए इतनी इज्जत रखती हूँ कि ठीक है मेरा नहीं बन रहा है, पर मैं उसके लिए बिलो टू, बट यहाँ लोग पहले फ्रेंडशिप करेंगे फिर इतना बिलो टू बेल्ट जाते हैं, इतना बिलो टू बेल्ट जाते हैं, साले सामने वाले की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, और उस धज्जियों को उड़ाने के चक्कर में खुद इतने गलत लगते हैं ना, आप यकीन नहीं करोगे। कभी कभी आप लोगों को अपनी वीडियो भी देख लेनी चाहिए। तो ही मैं यहाँ पारस ठकराल का बोल रही हूँ, भाई साहब उन्होंने अपने घर वालों की जिंदगी ताड़ ताड़ कर दी, ओनली क्या, ओनली फॉर व्यूज, क्योंकि YT से व्यूज ही आते हैं। माँ बाप आप यकीन नहीं मानोगे, YT पर आने से पहले लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, खासतौर पर एक मिडिल क्लास की फैमिली। मैं यही बोलना चाहती हूँ, चीज़ों को, अपनी फैमिली को, अपने घर को प्रायोरिटी जरूर दें YT से छोड़कर, क्योंकि YT हमारी जिंदगी नहीं चला सकती है। ये YT हमें पैसा दे सकती है बट जो हमारे रिश्ते हैं उन्हें कवर नहीं कर सकती है। कहीं ऐसा ना हो, सब लोगों के लिए बोल रही हूँ, इवन सब लोगों के लिए, कि YT को अपने ओपिनियन देते देने के चक्कर में आप अपनी फैमिली को भूल जाओ। फ्रेंड्स मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप भी अपने परिवार के साथ खुश रहें, अपनी फैमिली को टाइम देने की कोशिश करें, और YT पे तो झगड़ा झगड़ा लगड़ा जो है वो चलता ही रहता है, तो टाइम मिले तभी वीडियो बनाइएगा और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे जरूर रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलूँ।